वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी कि ONGC स्टॉक की बात की जाए तो लास्ट 15 to 20 डेज में बहुत से गिरावट देखने को मिले ONGC स्टॉक में। आज 151.55 पे क्लोजिंग है। ONGC स्टॉक ने फिर से आज हल्के से गिरावट देखने को मिले। आज ओपन होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसको ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। नीचे 150 लेवल को भी ब्रेकआउट देखिए नीचे चला गया था, फिर से रिकवरी अच्छी रिकवरी की और यहाँ पे बाउंस बैक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर भी डे एंडिंग में जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका था, यानी कि प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसने भी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन का काम किया आज के दिन में। ONGC स्टॉक के लिए ओपन हुआ था ONGC स्टॉक आज 152.80 पे, हाई बनाया था 153.30 का और लो है 148.10 का। मार्केट कैप 1.91 लाख करोड़ का है, पी रेशो 4.32 का और डिविडेंड यील्ड 5.39% का। तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख रहे 7% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और लास्ट 1 मंथ में 8% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले ONGC स्टॉक में। चार्ट एनालिसिस पे भी नज़र डाली जाए तो यहाँ पे आप देख रहे रिसेंटली चार्ट भी देखोगे तो जो 200 मूविंग एवरेज और ब्लू कलर का लाइन उसी के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, पर आज आकल सपोर्ट लिया था आज उसका उस ब्रेकआउट के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। ONGC स्टॉक कल के दिन में यहाँ पे आप देख रहे नीचे ओपन होता है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के, जो कि यहाँ पे आप देख रहे 152.60 के करीब है। तो 150 को ब्रेकआउट देता है कल के दिन में तो और गिरावट होने के संकेत यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं ONGC लिमिटेड स्टॉक में। तो ये लेटेस्ट अपडेट ONGC स्टॉक के लिए।